नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब टू लाइक नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया, उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अभी संक्रांत आ रही है, तो संक्रांत के लिए स्पेशल क्या होता है, तो हमने तिल के लड्डू होते हैं दोस्तों, ये ज्यादा खास होते हैं तिल के लड्डू, तब हम वहाँ बनाते हैं, तो ये लड्डू बहुत अच्छे हैं, उसका पूरा वीडियो आपने देखना है। यहाँ पे हम अलग ही दृश्य बनाने हैं, जो हलवाई के दुकान में कैसे बनाते तिल के लड्डू, आप खाते तो अरे वाह इनके कितने अच्छे बनते, हमारे अच्छे क्यों नहीं बनते, तो इसीलिए आपने पूरा वीडियो देखना है। चलो अभी सामग्री हम नोट कर लेते हैं क्या क्या लगने वाली है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम तिल ली हुई है, 250 ग्राम गुड़ लिया हुआ चिक्की का। यहाँ पर मैंने बड़े चम्मच एक घी लिया हुआ है, शुद्ध घी, और आधा टीस्पून सोडा लिया हुआ, खाने का सोडा। पर हमने पैन रखा है, हमारा पैन गरम हो गया है, अभी यहाँ पे हम तिल ऐड कर देंगे, पूरा रोस्ट कर लेंगे तिल को, अच्छी तरह से कलर आने तक भूनना है हमें, इसका एकदम खस्ता बना होना चाहिए, अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए दोस्तों। 5 मिनट ऐसे हम उसको चलाते रह के रोस्ट करेंगे। अभी 5 मिनट हो गया दोस्तों, देखो आवाज आ रही है आपको, है ना, तड़तड़ आवाज आ रही है ना। तो हाँ दोस्तों, आपको एक बताना, एक टिप्स बता रही हूँ मैं आपको, इसके साथ आपने पॉलिश वाला नहीं लेना है, बिना पॉलिश का लेना है। बिना पॉलिश का लेने तो अपना तिल का लड्डू बहुत टेस्ट होती है, और पॉलिश वाला लिया तो अच्छा नहीं लगता, पूरा व्हाइट पूरा निकल जाता है, जो हमारे तिल में जो कस होता है वो हमको मिलता नहीं है खाने में, और टेस्ट आती नहीं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश वाला ही नहीं लेना है, बिना पॉलिश का लेना है दोस्तों। देखो अपने आवाज़ आ रही है, यानी कि हमारा तिल बराबर हो गया है रोस्ट, यानी कि एकदम क्रंची हो रही है, अंदर से खस्ती हो रही है। जब हम तिल के लड्डू खाएंगे तो आ रही वाह क्या खा रहे हम, है ना, हमें ऐसे होना चाहिए। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने तिल निकाल लिया है प्लेट में, अभी यहाँ पे एक चम्मच जैसा घी डालना है हमें, अच्छा वाला घी डालना है, और यहाँ पे हम गुड़ ऐड करेंगे। हाँ दोस्तों, 250 ग्राम में 250 ग्राम ही हमने गुड़ लेना है, इसका प्रमाण बता रहे हैं हम, 250 ग्राम में 250 ग्राम ही गुड़ लेना है। और यहाँ पे हम एक चम्मच जैसा पानी ऐड करेंगे, यानी कि हमारी चाशनी जो होगी वो हमारी चिपकेगी नहीं, ये चम्मच बता रही है, इतना ही पानी ऐड करेंगे बस, ज्यादा ऐड नहीं करना है। अभी हमारा गुड़ अच्छी तरह, और गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है, फास्ट नहीं रखनी, अभी हमारा गुड़ अच्छी तरह मेल्ट होना चाहिए। अभी गुड़ हमारा मेल्ट होने आ रहा है, थोड़ा बाकी है देखो, है ना, अभी ये भी पूरा मेल्ट होना चाहिए अच्छी तरह से। इसकी लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों, एकदम खस्ता लगता है, और कट भी बहुत अच्छा आती है, तो हमें ऐसे ही थोड़े चलाते रहेंगे, जब तक हमारा ये पूरा मेल्ट नहीं होना, तो हमने ऐसे ही चलाते रहना है, 2 मिनट ऐसे ही चलाएंगे। अभी हमारा गुड़ पूरा मेल्ट हो गया है, अभी झाग भी अच्छी तरह से आ रही है, यानी कि बबल्स आ रही है, देखो पूरा गुड़ हमारा एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है दोस्तों। अभी इसका थोड़ा कलर चेंज करेंगे, यानी कि और पकाएंगे इसको, अभी तक हमारा गुड़ देखो पतला है, यानी कि हमारी गुड़ अच्छी तरह से हुआ है, यानी कि चाशनी के जैसे हुआ नहीं, देखो है ना, आप देख रहे हो चम्मच में गिर रहा है वो, ये फटाक से गिर रहा है। और गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है, फास्ट नहीं रखनी है हमें, स्लो रखना है, ऐसे और 2 मिनट चलाते रहेंगे। हमारा एकदम कलर चेंज हो गया है गुड़ का, अभी हम एक बाउल लिया है दोस्तों, अभी यहाँ पे हम चाशनी ऐड करेंगे, देखेंगे हमारा, देखना है हमें, और यानी कि हमारी चाशनी बराबर हुआ ही नहीं, देखो एकदम, है ना, कैसी हुई है, हमें और थोड़ा पकाना है दोस्तों। देखो ये ऐसी हमें कांच की तरह होनी चाहिए, जैसे हमारे कांच कैसे होते हैं वैसे होनी चाहिए, देखो है ना, ये हुआ नहीं है, और एक बार बताएंगे हम आपको। अब इसको इसमें डाल देंगे और इसको पकाते रहेंगे, यानी हमारी गुड़ अभी अभी अच्छी तरह हुआ नहीं है, और थोड़ा लगेगा, क्योंकि हमारी चाशनी अच्छी हुई ना तो हमारा लड्डू भी अच्छा बनेगा, अगर लड्डू चाशनी अच्छी तो लड्डू अलग ही बन गया यार, क्या, नहीं तो आपको तो मालूम है लड्डू अच्छा बना तो खाने में और एक या दो लड्डू खाएगी, और लड्डू अच्छा नहीं बना तो एक या आधा भी नहीं हम लोग खा पाएंगे, तो इसीलिए अभी थोड़ा कलर भी चेंज हो रहा है दोस्तों, सुगंध भी अभी आ रही है, और गैस की भी स्लो ही रखनी, फास्ट नहीं रखनी, फास्ट करने से क्या होता है हमारे लड्डू बराबर बनेगी नहीं। एकदम अच्छी तरह से हो रहा है देखो, है ना, एक तार दिख रहा है आपको चमचे में गिर रहा है, ये तार हो गया, अभी इसमें भी बता रहे हैं, बाउल में भी बता रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट रुकेंगे, चलाते ही रहना है फास्ट, अभी देखो वाव
एकदम अच्छी तरह से हो गया पूरा, यानी हमारी देखो एकदम चाशनी यानी गुड़ एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया। अभी हम बता रहे नेक्स्ट प्रोसेस, अभी यहाँ पे हम जो हमने सोडा लिया था वो डालेंगे और एकदम अच्छी तरह से चलाएंगे, यानी हमारा ये फूल जाएगा, है ना, कैसे झाग हो रही है, यानी हमारा डबल गुड़ हो जाता है। इससे हमारा क्या होता है, क्रंची बनाते हो, खस्ता बनता है। अभी यहाँ पे हम तिल ऐड करेंगे, देखो कलर भी एकदम अलग हो गया है। अभी तुरंत यहाँ पे हमने तिल ऐड करना है और तुरंत चलाते रहना है, गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है, फास्ट नहीं रखनी है। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि ये थोड़ा काम बहुत हार्ड होता है, पर अच्छी तरह से करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, घाई गड़बड़ करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए हम ऐसे पूरा चलाते रहेंगे। अभी पूरा हमारा मिक्स हो गया है दोस्तों, ये देखो। और कभी भी आपको करना है ना लड्डू तो नॉनस्टिक में ही करना है, नॉनस्टिक में क्या होता है पूरा अंदर लगता नहीं है, मतलब भगुने में लगता नहीं, तो फिर जलता है गुड़ हमारा, तो नॉनस्टिक में हमें बहुत इजीली लड्डू बन जाते हैं हमारे, और देखो चांसेस भी लगते नहीं यहाँ पे लगने के लिए। अभी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और लड्डू बनाने लेते हैं, आपको बता रहे हम लड्डू कैसे बनाया जाता है। अभी पूरा मिक्स हो गया है दोस्तों, अभी हम इसको थोड़ा साइड रखेंगे। अभी हमें जिस साइज के लड्डू चाहिए उस साइज के हम करेंगे, मैं चमचे से कर रही हूँ पहले, क्योंकि बहुत गर्म है हाथ, मेरे हाथ पूरे जल जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा साइड में निकाल लूंगी, फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद हम हाथों से लड्डू बांधेंगे दोस्तों। देखो इसे निकालते जाना है हमें, आपको कौन सी छोटी साइज बड़ी साइज आपके हिसाब से आप कर सकते हो, मैं थोड़ी बड़ी साइज कर रही हूँ क्योंकि हमने रेडीमेड जैसे लड्डू बनाना है और बड़े लड्डू ही बना रही हूँ मैं अभी, आप छोटे भी बना सकते हो, आपके ऊपर है कैसे बनाना है। अभी थोड़ा हाथ में पानी ले लेंगे हम, वाटर ले लेंगे, ये वाला पानी लेती हूँ मैं, और हाथ मेरे इसे डीप करूँगी मैं हाथ में इसे, क्योंकि हमको गीलापन नहीं मतलब ये नहीं लगना चाहिए। अभी हमने जो लिया था वो निकालेंगे और इसको थोड़ा ठंडा हो गया दोस्तों एकदम अच्छी तरह से, देखो एकदम इसे स्प्रेस करना है, यानी लड्डू हमारा एकदम एक हाथों से एकदम अच्छी तरह से, अभी दो हाथों से करेंगे हम, है ना। देखो लड्डू एकदम अच्छे से बन रहा है, और एक बार बता रही हूँ मैं आपको, इसको प्लेट में रखेंगे और एक बार और निकाल के हम लड्डू बनाएंगे। वाह गरम लग रहा है बहुत ना, इसीलिए, पर ये गरम गरम ही होता है, ठंडा होने के बाद पूरा चिक्की बन जाता है हमारा। वाह देखो कितना सुंदर लड्डू हमारा बन गया हुआ है, अभी हम ऐसे ही सब लड्डू बना लेते हैं। देखा ना दोस्तों मैंने कैसे बना दिए तिल के लड्डू, अभी संक्रांत भी आ रही है तो आपने बनाना है, मुझे कमेंट करनी है कैसे बने तिल के लड्डू। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, मैं आपको हाथों में लेके बता रही हूँ दोस्तों। देखो कितना एकदम गोल लड्डू हमारा हो गया है ना, हमारे ऐसे लड्डू होने चाहिए, अंदर से खस्ता है दोस्तों। थैंक धन्यवाद दोस्तों।